बाबा हम ऐसे रात ही होंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रास्ते में होंगे, फिर कौन पिक कर रहे? कबीर आप हुआ हो रही हैं, आखिर हम कब तक मसर का इंतजार करेंगे? उस वक्त तक जब तक वो आए। लगता है भाई बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी खास मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आइए आइए। हद होती है, पता नहीं कहाँ रह गए दोनों मियां बीवी, एहसास ही नहीं है कि इंतजार हो रहा है। आओ मजर बेटा, आ जाओ। शुक्र है मेहमान तो पूरे हुए, यहाँ तो बाराती इंतजार करते करते सूख ही गए थे। बस चलिए ना, आप निकाह की रस्म शुरू करते हैं। क्या मतलब है निकाह की तैयारी? अरसलान बड़ा भाई है इरम का, बहन की रस्म से पहले निकाह कैसे कर सकता है? कबीर कमाल बात है वैसे, तुम तो रस्मों रिवाज सब कुछ ही भूल गए हो। अदील को बुलाओ, अनमोल को बुलाओ, पहले इरम और अदील की रस्म होगी, उसके बाद अरसलान और अनमोल का निकाह होगा। आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा बेटा, तुम तो आइए बहन, आइए आप बैठिए, आइए आइए प्लीज। बता रहा तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अनमोल का है और ये अदील का है, नजर नहीं आ रहा वो। कोमल तुम मेरे साथ हो बेटा, आओ। जल्दी करो, मेहमान दुल्हन के इंतजार में बैठे, बुलाओ अनमोल को। अच्छा, अब कोमल, कोमल बेटा। जी माँ। अब जरा देखो, अनमोल अपने कमरे में नहीं है, शायद ऊपर ना हो। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? वो अपने कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा शायद ऊपर होगी।